तो अभी मस्त नहा धो के धर्मशाला से निकल चुका हूँ मैं, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। एक्चुअली मैं बहुत लेजी हो गया था यहाँ पे रहने के बाद, क्योंकि बिस्तर मिल जाता है तो इंसान थोड़ा सा लेजी हो ही जाता है। सो मैं कहीं ना कहीं लेजी हो गया था एंड बहुत आराम किया मैंने। आई वॉज डिप्रेस फॉर 2 डेज, मैं चुपचाप घुसा रहा बेड में। तो एक नुकसान भी था यहाँ पे आने का, बट प्रॉफिट भी था कि मैंने थोड़ा बहुत बैंगलोर कवर कर लिया, थोड़ा बहुत यहाँ के जो हलन चलन है बहुत कुछ चीज़ें मैंने देख ली यहाँ पे। सो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट टारगेट है मेरा केरला। अब केरला जा रहा हूँ मैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, तो ट्रेन में ट्राई करूँगा केरला के लिए। एंड अगर ट्रेन मिल जाती है तो ट्रेन में जाएंगे, नहीं तो फिर वापस वाया हाईवे आके वहाँ से ट्रक पकड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें करनी है, क्योंकि ट्रेन का मुझे नहीं पता है मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो चलते हैं स्टेशन, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो स्टेशन जो है यहाँ से वो 25 मिनट्स दिखा रहा है, तो चल के जाऊँगा मैं 25 मिनट्स। तो चल के मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे आपसे बैंगलोर के बारे में रूबरू कुछ बातें करनी है जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। यस, तो अगर आप बैंगलोर में आते हो यहाँ पे, तो भैया आपके पास जो है बहुत सारे पैसे होने चाहिए तो ही आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको मतलब वड़ा पाव चाहिए, आपको समोसा पाव चाहिए, तो भाई ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इडली सांभर मेंदू वड़ा यही सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये साउथ में आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि मैंने सुना कि यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों को मतलब इंग्लिश मतलब प्रेफरेबल है, या फिर ये लोग समझ सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। यहाँ पे जो है 90% लोगों को जो है यहाँ की नॉर्मल लैंग्वेजेस आती है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी जो है वो बहुत कम लोगों को आती है। सो ट्राई भी मत करना, ओके, डोंट ट्राई इट। तो ये है खूबसूरत बैंगलोर का प्लेटफॉर्म, आई मीन रेलवे स्टेशन। एंड अभी जो है हम अपनी ट्रेन के बारे में पता लगाते हैं कि एक्चुअल में हमारी ट्रेन आने वाली है भी कि नहीं। तो मेरी फूटी किस्मत, ट्रेन जो है वो 4:30 बजे की है और अभी 10 बज रहे हैं। इतना जल्दी मैं आ गया यहाँ पे, अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अब करने को कुछ है नहीं और जाके मतलब नहीं पीछे। तो सोच रहा हूँ मैं यहीं पे कहीं पे बैठ जाऊँ, वेट कर लूँ। वेटिंग एरिया है बट बहुत बोरिंग है, सब अंकल आंटी लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो मैं करूँ क्या उनके साथ बैठ के। सो मैं यहीं पे घूमने के लिए आ गया। यहाँ पे घूमने का भी बहुत है, बट यहाँ पे धूप है और धूप में मेरी स्किन जो है ऑलरेडी एलर्जी हो चुकी है स्किन को, तो मुझे और ख़राब स्किन को नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे चुपचाप देखता हूँ कहाँ पे कुछ बैठने का मिलता है, बैठ जाऊँगा यहाँ पे शांति से कुछ टाइम के लिए। तो मैंने जो है अभी सलून में जाके मेरी बियर्ड कटवाई मतलब मैंने ट्रिम करवाई। एंड नुकसान ये हो गया भाई कि उन्होंने मुझसे 230 रुपये ले लिए। मतलब अगर मुंबई में करवाता तो 50 पे काम निपट जाता। अभी मेरे पास पैसे थे नहीं और पैसे खत्म हो गए सारे के सारे, तो भाई बैंड बज गई अभी मेरी, बहुत गंदी वाली बैंड बजी है। 230 रुपये ले लिए बंदे ने, अब मतलब दिल टूट गया मेरा यार। दिल नहीं, दिल के साथ जो बजट था ना भैया सरवाइव करने का, मेरा वो भी टूट गया। मतलब क्या उनके सलून में मतलब एक पंखा तक नहीं था, भाई ने रोड साइड सलून बना के रखा है और उसने बंदे ने मुझसे मतलब 230 रुपये मांग लिए और मुझे देने पड़े, क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती यहाँ की। अगर मुझे लैंग्वेज यहाँ की आती अगर तो। तो वॉशरूम जाने का 5 रुपये, मतलब एक नंबर का यहाँ पे 5 रुपया लेते हैं लोग, 5 रुपया साला। माँ कसम मन कर रहा है कि मैं बैंगलोर को रोस्ट कर दूँ। तो टिकट मिल गया है, लेकिन ट्रेन जो है वो 9:30 बजे की है, तो तब तक यहीं पे बैठना पड़ेगा। मेरे साथ 2 भाई भी है जो दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली भी जाना है मुझे, लेकिन अभी दिल्ली पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। अभी तो केरला जाते पहले, लेकिन केरला भी नहीं पहुँच पा रहे साला। अभी एक ट्रेन थी 4:50 की, वो बोले कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो 9:30 को ट्रेन जाएगी उसमें आपको मिलेगा, तो ऐसा हो गया। दोस्त मिल गया था, मतलब दोस्त बन गया था प्रवास में, तो उसको मैंने अभी ये ट्रेन में छोड़ा। मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:30 की है,
अभी 6:30 हो रहा है, काफी टाइम है। तो मैं अभी वेटिंग रूम में बैठा हूँ एंड ये लोग हरामी लोग वेटिंग रूम का भी पैसा ले रहे हैं। बेंगलोर में हर एक चीज का पैसा ले रहे हैं ये लोग, सुसु करने से लेके हर चीज का पैसा ले रहे हैं ये लोग। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अगर मैं मुंबई में होता ना तो मेरा मतलब अभी तक तो मैं वहाँ पे मतलब इतने पैसों का मतलब कुछ कर लेता अच्छा खासा, लेकिन नहीं। तो अभी जो है वेटिंग रूम में बैठा हूँ मैं एंड ट्रेन जो है वो 9:30 की है, तो 9:30 मतलब लग गए मेरे अच्छे खासे, क्योंकि 9:30 को मैं बैठूंगा तो मैं मॉर्निंग में पहुँचूंगा 8:30 को। पहुँचते पहुँचते मेरी बैंड बज जाने वाली है। वहाँ पे जाने के बाद भी आश्रम भी 1 घंटा दूर है वहाँ से, तो वहाँ से भी देखना है कि ट्रैवलिंग कैसे करूँगा मैं। सो अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, देखते आगे क्या होता है। तो 9:30 होने ही वाले हो, मैं वेट कर रहा हूँ कि यार मेरी ट्रेन कब आएगी। मेरी ट्रेन आएगी तो मैं चुपचाप ट्रेन में बैठ जाऊंगा और बैठ के जाऊंगा केरला के आश्रम में। यस, बात तो नहीं हुई है क्योंकि मुझे अनप्लान ज्यादा अच्छा लगता है करना, तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की केरला की, देखते केरला में क्या मिलता है। वैसे मैं यहाँ पे भी ज्यादा कुछ मतलब इतना भी एक्सप्लोर नहीं किया मैंने बैंगलोर। आई नो ट्रेन में आ गए हैं, लेकिन हेलो कोई लाइट जला दो यार। हेलो यस, सो फाइनली बिजली आ गई, तो फाइनली मुझे मेरी विंडो सीट मिल गई एंड आई एम हैप्पी। ट्रेन चालू हो गई है, मैं कल मॉर्निंग में केरला पहुंच जाऊंगा। आश्रम का प्लान तो है लेकिन अभी तक वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं कि रहने मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो देखते हैं क्या होता है। वैसे बैंगलोर जो है वो काफ़ी खूबसूरत सिटी रहा मेरे लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मैं धर्मशाला में रुका हुआ था, वरना मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि बैंगलोर जो है बहुत ही महंगा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।